तो आज हम सीखने वाले हैं एज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है न्यूक के अंदर। तो जैसे कि जब हम क्रोमा निकालते हैं हमारे पास कुछ ऐसे डार्क एजेस रह जाते हैं यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है न्यूक के अंदर वही आज हम देखने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि एजेस रह क्यों जाते हैं। हमारे पास कुछ ये क्रोमा था, हमने की करके ये कुछ आउटपुट यहाँ पर हमें मिला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा ग्रीन क्रोमा था और ये हमारा रेड कलर था, ठीक है। लेकिन जब ये मिक्सअप होते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रेडियंट टाइप का इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखता है। जब आप की करते हैं तो ये इफ़ेक्ट वहीं पे रह जाता है एजिस पे। तो इन चीज़ को कैसे हटाया जाता है न्यूक के अंदर वही आज हम देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जहाँ से भी आपका अल्फ़ा आ रहा है, ये मैंने रफ़ की किया हुआ है यहाँ पर, आप अच्छे से अल्फ़ा निकालें अपने शॉट का। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नोड आपको लेना है जिसका नाम है लेवल सेट, ठीक है। ये कुछ आपका नोड है, ये नोड करता क्या है, ये मोशन जनरेट करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा अल्फा था, इस नोड को मैंने यहाँ पे लगाया। जब मैं इसको व्यू करूँगा तो आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको RGB में जाना है और यहाँ पर आपको मोशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मोशन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी फुटेज को बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिवाइड कर रहा है। इसके अंदर आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाई देंगे, उसको ठीक कर लेते हैं। आर्टिफैक्ट्स को ठीक करने के लिए आपको ब्लर नोड चाहिए और यहाँ पे आप चैनल को करेंगे मोशन में, उसके बाद आप साइज़ को यहाँ पर बढ़ाएँ। हाँ, अभी यह हमारा ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, जो भी हमने यहाँ पर मोशन जनरेट किया है उसे हम अपनी फुटेज के अंदर डाल देंगे। तो हमें करना क्या है, कॉपी नोड लेंगे, वो हमारा ए पाइप रहेगा यहाँ पे। और हमें करना क्या है कॉपी नोड के अंदर, कि हमारा फॉरवर्ड यू और फॉरवर्ड वी हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये चैनल से जो भी इंफॉर्मेशन थी फॉरवर्ड यू और फॉरवर्ड वी की, वो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आई डिस्टोर्ट लेना है आपको। ये नोड लेने के बाद आपको क्या करना है, चैनल में जाके इसको RGB कर दें और UV चैनल पे आप इसे फॉरवर्ड पे चेक कर दें, ठीक है। इसके बाद ये करेगा क्या, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये कर क्या रहा है, ये आपकी फुटेज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिवाइड कर देगा। अब आपको आराम से दिखाता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये कर क्या रहा है, आपकी फुटेज को एक्सपेंड कर रहा है डिस्टॉर्ट की हेल्प से। लेकिन इससे होगा क्या, आपकी पूरी फुटेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई लेते हैं, यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे से इसका मास्क यहाँ जोड़ देते हैं। ये हमारा अल्फा है, ठीक है, ये हमारा मोशन है। हम क्या करेंगे, मोशन में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये बचने वाला है, ठीक है। अभी हम मोशन में जाते हैं, तो हमने किया क्या, ये हमारा मोशन था, हमने मोशन में से इस अल्फ़ा को हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट पड़े हमारा, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं RGB में और यहाँ पर RGB है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम एक फिल्टर इरोड लगा देंगे, इसको वैल्यू देंगे। हाँ, अभी ये है, उसमें ब्लर में आपको ये है और ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में आप एक ब्लर दे देंगे, जो भी आपका एज है वो सॉफ्ट रहना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे ब्लर का यूज़ कर रहे हैं। इसको कुछ इतना रखते हैं यहाँ पे, और अगर मैं अभी यहाँ पे आई डिस्टॉर्ट को बढ़ा के देखता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। हाँ, अभी आपके वही एजेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपके जो ये एजेस है यही बढ़ रहे हैं, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक इरोड लेना है, ये जो अल्फा है आपका इसको आपको कम कर देना है, कुछ इतना कम करें, ठीक है।
अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो अभी आप देखेंगे आपने वो चीज़ यहाँ से हटा दी है, ठीक है। और हाँ तो अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे आपकी वो चीज़ यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये लग रहा होगा आपका अल्फ़ा डबल हो जाएगा या आपका अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखें यहाँ पे, मैं इसको अभी ऑफ़ करता हूँ, तो आपका पुराना जो आउटपुट था वो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये अपना अल्फ़ा देखिए, और मैं आई डी स्टोर को ऑन करता हूँ, तो तब भी आपका अल्फ़ा सेम ही है। तो हमने किया क्या है, हमने जो भी काम किया है हमने RGB में किया है, हमने अल्फ़ा को छेड़ा ही नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा हमने किया क्या है, हमने RGB कलर को ही एक्सपेंड करके यहाँ पे लेके आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।